धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी जगदीश नंबरदार, गांव सुंदरपुरा, जिला जींद, हरियाणा से अपने सतगुरु पूज्या हजूर पिताजी के उच्च रूहानी व अलौकिक चमत्कारों के बारे में लिखता है। 3 नवंबर 1992 को रात के समय वह प्रतिदिन की तरह कुल मालिक के इलाही वचनों का अभ्यास यानी सुमरण करने के लिए एकांत में बैठा हुआ था। उस समय रात्रि के करीब 11 बजे थे। मेरे परिवार के सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे तथा सारा वातावरण बिल्कुल शांत था। मालिक की भक्ति सुमरण अभ्यास के लिए शांत वातावरण अत्यंत महत्व रखता है। अचानक मुझे एक झटका सा लगा तथा मेरी रूह सिमट कर एकदम उच्च रूहानी मंडलों में पहुंच गई। ज्यों ज्यों मेरी रूह ऊपर को चढ़ती गई, मुझे भिन्न भिन्न प्रकार की मीठी से मीठी धुनें सुनाई देने लगी। कभी मुझे घूं घूं की जबरदस्त आवाज सुनाई दी तो कभी सितार की मीठी मीठी धुन सुनकर मेरी रूह मस्ती में झूमने लगी। इस प्रकार नाम धुन के सहारे मेरी रूह बराबर आगे बढ़ती गई और नाम सुमरण भी निरंतर अपने आप चलता रहा। आगे चलकर मुझे एक बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया। तेज पीले रंग की रोशनी सूर्य की किरणों को भी मात पा गई थी, जो मेरी आंखों से निकलती मुझे मालूम हुई। इतने तेज प्रकाश को देखकर एक बार तो मैं घबरा सा गया था, परंतु उसके पीछे अपने सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी के उज्जवल नूरी स्वरूपों के दर्शन करके तुरंत ही मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैंने बड़े ध्यान से देखा कि इतना तेज प्रकाश सतगुरु जी के उस नूरी स्वरूप से ही निकलकर सारे वातावरण को रोशन कर रहा है। सर्व समर्थ्या सतगुरु जी का वह उज्ज्वल स्वरूप बिल्कुल स्थायी था। कुल मालिक के उस स्वरूप में मैंने अत्यंत खुशी का अनुभव किया। उस आनंद, उस मगनताई तथा उस स्थायी व बेहद प्रभावशाली स्थिति का मैंने लगभग 3-4 मिनट तक खूब आनंद लिया। पता नहीं और भी कितने समय तक मेरी रूह कुल मालिक के उन सच्चे नजारों का आनंद व खुशी प्राप्त करती रहती कि अचानक किसी बाहरली कर्कश आवाज ने मुझे चौंका दिया। मेरी स्थिति भी उस वक्त उस कच्चे फल के समान बन गई थी, जिसे किसी निर्दयी व्यक्ति ने पेड़ की उस डाली से जुदा करके उसका सहारा छीन कर उसे बाहर फेंक दिया, जिसके सहारे के वह इठलाता व खुश था। उसी प्रकार मैं भी अपने मालिक सतगुरु जी के उन रूहानी नजारों से बिछड़कर बहुत ही पछताया। सिवाय पश्चाताप के और कुछ भी मेरे पास नहीं था। मैं अपने सतगुरु पूज्या हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हे सच्चे पातशाह समर्थ्या दाता जी, मुझ पर अपनी कृपया करें ताकि
मुझे फिर से आप जी के उन अलौकिक खुशी तथा उच्च रूहानी नजारों का आनंद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो। पारस की वट्टी ग्रंथ में दर्ज एक कवाली में आता है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुनीता गुप्ता करनाल शहर हरियाणा से, सर्व समर्थ्या सतगुरु पूजा परम पिता जी के एक अलौकिक चमत्कार का वर्णन इस प्रकार करती है। दिनांक 7 दिसंबर 1992 की घटना है। उस दिन मैं वह मेरी दादी ही घर में थी। परिवार के शेष सदस्य सुनीता के माँ बाप तथा उसका छोटा भाई 4-5 दिनों से हमारी किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। मैं अपनी दादी के पास नीचे वाले एक कमरे में ही सोती थी। उस दिन रात के करीब 2 बजे मैंने एक अजीब सा स्वप्न देखा कि पूजनीय परम पिता जी ऊपर चबारे को जाने वाली सीढ़ियों पर हाथ में डंगोरी लिए खड़े हैं। वाली दो जहान पूजा परम पिता जी को इस प्रकार अकेले खड़े देखकर मैंने पूजा परम पिता जी से प्रार्थना की, पिताजी आप यहाँ पर कब आए हैं, आप अभी तक सोए क्यों नहीं, कृपया आप चलकर आराम कर लें। इस पर सर्व समर्थ्या सतगुरु जी ने फरमाया, बेटा हम तो अभी अभी ही यहाँ आए हैं, तुम लोग बेफिक्र होकर सो जाओ, हम थोड़ी देर के बाद वापिस लौट जाएंगे। सुबह उठने पर जब मैं किसी काम से ऊपर वाले कमरे में गई तो सामने वाले दृश्य को देखकर एकदम हैरान रह गई। मैंने देखा कि ऊपर वाले कमरे का ताला टूटा हुआ था तथा कमरा खुला पड़ा था। कमरे में रखा बड़ा संदूक भी खुला हुआ था और उसके अंदर रखे हुए सारे कपड़े तथा अन्य सामान बाहर फर्श पर बिखरा पड़ा था। तब मुझे वास्तविकता का पता चला और मैं समझ गई कि सच्चे पातशाह पूज्य परम पिता जी ने स्वयं लाठी पकड़कर हमारे घर पर पहरा दिया है और हमारी रक्षा की है। मुझे तुरंत वह रात वाला दृष्टांत याद आ गया। अपने सतगुरु कुल मालिक के चरणों में ध्यान लगाकर वह सतगुरु के प्रेम में मगन होकर मैंने अपने सतगुरु को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। सारे सामान की पड़ताल करने पर मुझे पता चला कि रात्रि के करीब 2 बजे हमारे घर में चोर आए थे। उन्होंने ऊपर वाले कमरे का कोना कोना छान मारा, परंतु उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए वहां से कुछ नहीं मिला और इस प्रकार वे खाली हाथ ही लौट गए। अगर वे नीचे वाले कमरों में घुस जाते तो घर का सब कुछ चुरा कर ले जाते तथा कोई जानी नुकसान भी अवश्य करते, परंतु पूजा परम पिता जी ने सीढ़ियों में खड़े होकर खुद पहरा दिया जिससे वे नीचे नहीं उतर सके। वाली दो जहान
सतगुरु दातार जी ने उन चोरों को पता नहीं अपना कौन सा स्वरूप दिखाया कि वे अपने हथियार तथा चाबियों का गुच्छा भी वहीं पर ही छोड़कर भाग गए। इस प्रकार पूजनीय परमपिता जी ने अपने बच्चों की लाज रखी। चोर तो आए ही इस इरादे से थे कि गुप्ता के घर में एक छोटी बच्ची अपनी बूढ़ी दादी के साथ अकेली ही घर पर है, इसलिए वे उन दोनों को डरा धमकाकर उनके घर का सारा कीमती सामान चुरा कर ले जाएंगे। सतगुरु का प्रेमी भक्त कभी भी अकेला नहीं होता, बल्कि उसका सतगुरु शब्द रूप में हर समय उसके साथ रहता है। मेरे माता पिता की गैर हाजिरी में पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को लाठी लेकर स्वयं हमारे घर तथा हम पर सारी रात पहरा देना पड़ा। मुझे यह सब कुछ देखकर विश्वास हो गया कि मैंने परम पिता जी के दर्शन स्वप्न में नहीं बल्कि बिल्कुल जागृत अवस्था में किए हैं। स्पष्ट है कि सच्चे पातशाह जी ने अपनी अपार कृपया से मेरे माता पिता की गैर हाजिरी में हमारे घर से एक सुई तक भी हिलने नहीं दी। एक तरफ तो महान परोपकारी पूजा दातार जी ने मेरी व मेरी बूढ़ी दादी की जान की रक्षा की तथा दूसरी तरफ उन चोरों को वहां से एक सुई तक भी ले जाने नहीं दी। उसके साथ ही उन्हें कोई ऐसा डर दिखाया कि वे अपना सब कुछ वहां छोड़कर भाग गए। सतगुरु जी की अपार रहमत की ऐसी और भी अनेक मिसालें मौजूद हैं। सतगुरु पूज्य परम पिता जी ने प्रेमियों के अनाज के ढेर की सारी रात रखवाली की, फड़ा प्रेमी के घर पर पहरा दिया आदि, जो के ये बातें 100% सच्ची हैं। प्रेमी विश्वासी जीव तो अपना सब कुछ सतगुरु के हवाले करके खुद को निश्चिंत हो जाता है, परंतु सच्चे पातशाह जी को तो अवश्य ही उसकी लाज रखनी पड़ती है तथा डंगोरी पकड़कर उनके घर की रखवाली करनी पड़ती है, जैसा कि उपरोक्त साखी के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।